हेलो एंड वेलकम टू डेक्कन डाइजेस्ट। मेरे साथ हैं आज जेडीएस के कॉर्पोरेटर इमरान पाशा। तो सर, पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को आपका इंट्रोडक्शन दे दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान पाशा, बीबीएमपी फॉर्मर चेयरमैन फॉर एजुकेशन एंड वार्ड लेवल पब्लिक वर्क्स कमेटी। आई बिलोंग टू जेडीएस और आज जो है हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कुमार स्वामी साहब और हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी केएमडीसी फॉर्मर चेयरमैन ज़फ़रुल्ला खान साहब और हमारे कॉरपोरेटर अब्दुल रहमान गोरे साहब और हमारे अशरफ अली खादरी साहब जो भी आज यहाँ पर मीटिंग, हाँ उमेश गौड़ा विद्यार्थी जनता दला स्टेट यूथ प्रेसिडेंट फॉर स्टूडेंट्स विंग, तो हम सब जो भी है हमारे कैंडिडेट के बिहाफ में, क्योंकि बहुत साल हो गया है कि बसवा कल्याण में किसी भी पार्टी ने एक मुसलमान को टिकट दे करके हमारे माइनॉरिटीज़ के मुसलमान के हकूक़ को देने की कोशिश की, ऐसा कभी नहीं हुआ बसवा कल्याण की हिस्ट्री में। सुनने में आता है कि 40 साल या 50 साल पहले के कोई एक लीडर थे, बस उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हमारी पार्टी से देवेगौड़ा साहब, कुमार स्वामी साहब, ज़फ़रुल्ला खान साहब मिल करके एक अशरफ अली खादरी साहब जो कि कांग्रेस के थे, इनको टिकट दिया, क्योंकि यहाँ पर माइनॉरिटी वोट्स थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से कि जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल है, जो छोटी हालत के है, बहुत सारा डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो दिख रहा है, और बहुत सारे काम हैं जो कि एक हमारे कम्युनिटी से जीत के आएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम होंगे, ये विजन रख कर के कुमार स्वामी साहब ने कैंडिडेट को उतारा है। चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी को टिकट दे मुसलमान को, कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया। अगर ऐसे ही होता रहा हमारे स्टेट के अंदर हमारे लोगों के साथ, नहीं 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 वहाँ कांग्रेस को कांग्रेस से नहीं देंगे उधर मुसलमान नहीं जीतेगा, नहीं नहीं उधर हम जेडीएस से नहीं देंगे मुसलमान नहीं जीतेगा, ऐसा बोल बोल कर ही हम लोग को पीछे कर दिया है। तो ये मैं बसवा कल्याण के लोगों को बोलना चाहता हूँ, हम लोग जो है वी आर हियर टेम्पररीली, हम सिर्फ इलेक्शन विजिट के लिए आए हैं, और पर्टिकुलरली मैं जो हमारे जेडीएस के कैंडिडेट अशरफ अली खादरी साहब हैं बोल करके इसलिए आया कि हमसे जो बेहतर हो सके, हम तो वी आर नॉट दैट अप टू दैट लेवल लीडरशिप किए हैं, वी आर स्मॉल प्लेटफॉर्म गाइस, तो मुझसे जो हो सकता है मैं, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं हमारे लोगों के लिए काम करूं, जेडीएस के लिए और हमारे अशरफ अली खादरी साहब के लिए। मैं बता रहा था आप कांग्रेस वाले क्यों नहीं दिए भाई टिकट, आप भी दे सकते थे ना, आप क्यों नहीं दिए? आप जब जेडीएस वाले दिए हैं टिकट, तो चाहिए कि आपको हम सबको जेडीएस से जो मुस्लिम है कैंडिडेट है उनको जिताए, ना के बल्कि यहाँ पर दूसरी तीसरी तरह से आकर बात करें, लोगों को बहकाएं, भटकाएं और डिवाइड करें। एक लीडर जो हमारे माइनॉरिटी कांग्रेस पार्टी से हैं, ज़मीर अहमद साहब की मैं एक तकरीर सुना, कोई मुझे लाके बताया, तो यूजुअली मैं मोबाइल उतना चेक करता नहीं हूँ, कोई भी एक लाके बता देता है, मैं मेरे पास उतना टाइम नहीं है कौन क्या कर रहा है वो सब देखने के लिए। तो कोई एक मेरा बंदा लाके बताया कि ज़मीर साहब का एक बयान आया है, अशरफ अली खादरी साहब को विथड्रा करने का मशवरा दे रहे हैं, अगर अशरफ अली खादरी साहब विथड्रा करते हैं तो उनको आखिरत मिलेगी। मैं बोलना चाहता हूँ ज़मीर साहब, पॉलिटिक्स जो है वो अलग है, हमारे इस्लाम को, हमारे धर्म को, कुरान हदीस को सियासत में ला करके इसको विथड्रा कराए तो आखिरत मिलेगी करके आपने एक स्टेटमेंट दिया है, वो सरासर गलत है। आप अच्छे आदमी हो, हम सब आपकी इज्जत करते हैं, बहुत सारे लोग आपको मानते हैं, लेकिन ऐसे इस तरह के मशवरे, इस तरह के स्टेटमेंट्स आप किसी भी हालत में कहीं पर भी जाकर ना दें तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं
बहुत सारे लोग बोलते हैं आप लोग सियासतदान मिलकर क्या करने निकले हो करके बोल के, तो इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी वालों से मैं कहना चाहता हूँ, आप ये बेहतर रहेगा कि हमारे कैंडिडेट को विथड्रा करने का मशवरा देने के बजाय अगली बार जहाँ भी आपको सोचना चाहिए कि हमारी पार्टी या चाहे कोई भी पार्टी हो मुस्लिम नुमाइंदे रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटीज़ का हम ख्याल रखें और वो बढ़ चढ़ के ऊपर आए और उसको अपग्रेड करें लीडरशिप को, ज़्यादा से ज़्यादा आप टिकट दें मुसलमानों को, ताकि जो भी मसले मसाइल हैं, डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सारे काम हैं जो 50-60 साल से कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, और कांग्रेस पार्टी के बाद बीजेपी आई, बीजेपी को तो सिर्फ आपको पता है वो सिर्फ क्या बोलते हैं वो जय श्री राम, खाना नाश्ता पूछा तो जय श्री राम, अगर खाना पूछा तो पाकिस्तान, अभी डिनर पूछा तो अफगानिस्तान। नो डेवलपमेंट, नो इंफ्रास्ट्रक्चर, नो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, नो हॉस्पिटल्स, नो फूड, नो शेल्टर, ऐसा कोई भी नहीं है। तो ये लोग भी 10 साल से गुमराह कर रहे हैं हमारे लोगों को, हमारे लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को गुमराह कर रहे हैं, पूरे कर्नाटक को गुमराह कर रहे हैं। इनका भी और 1-2 साल चलेगा, तो लोगों को चाहिए कि आप देखो आपके लिए कौन खड़ा है, आपके हर सुख दुख में कौन आता है, आपके सुख दुख में आने वाला जो आपका लोकल कैंडिडेट है, मैं भी इधर टेम्पररी आया हूँ, आपके कैंडिडेट जो हैं बसवा कल्याण के मुस्लिम कैंडिडेट ना होते हुए आपके वो लोकल भी हैं, आपके कुछ भी मसले मसाइल हुए तो वो आकर आपके लिए खड़े होते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी तरह के लोगों की बातों में ना जाते हुए आप बसवा कल्याण के कैंडिडेट को जिताओ, और कुमार स्वामी साहब को फिर से चीफ मिनिस्टर बनने का आप लोग मिलकर मौका दे सकते हैं। कुमार स्वामी साहब को हम फिर से चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं कि हमारा तमाम जो भी रुके हुए काम कर्नाटक के डेवलपमेंट के, गरीब के, मजलूम के, लेबर क्लास के, ऑटो ड्राइवर्स के, कारपेंटर्स के, पेंटर्स के, जो भी जो नीचा तबका है, ये सारे तबके को अपग्रेड करने के लिए, ये सारे तबके के लोगों को एजुकेशन देने के लिए, इल्म देने के लिए, ताकि उनको भी राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बाबा साहेब अम्बेडकर सब बताकर हैं, तो राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिबर्टी, हर चीज़ का हमें राइट्स दिया है। ये राइट्स हमारे से ये बीजेपी वाले छीनना चाहते हैं, तो ये बीजेपी वालों का हिंदुस्तान नहीं है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर का हिंदुस्तान है, मेरा हिंदुस्तान है, आपका हिंदुस्तान है, इसको हम आगे लेके जाना है, तो कुमार स्वामी साहब को जिताइए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। सो हमने देखा कि पाशा जी ने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं, तो अब सब कुछ वोटर्स पे हैं, वो किसे जिताते हैं। बने रहिए डेक्कन डाइजेस्ट के साथ, मैं अलीशा चंद्राकर, कैमरामैन मोहम्मद के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।